फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स के अंडर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिसीज की, कि फेसबुक एड्स की क्या पॉलिसी है और कैसे आप इनसे बच सकते हैं, इनको वायलेट करने से बच सकते हैं, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये एक URL है facebook.com/forward/policies/ads। अगर आप यहाँ जाएंगे आपको सारी पॉलिसीज मिल जाएंगी। मैं आपको ब्रीफ में बताने वाला हूँ क्या वो पॉलिसीज हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि फेसबुक पर जब आप ऐड बनाते हैं तो आपका ऐड डायरेक्ट रन होना शुरू नहीं हो जाता, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 24 घंटे में जनरली उनके जो ऐड हैं उनको वो रिव्यू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि फेसबुक आपके ऐड को रिव्यू करता है, राइट? एंड जनरली 24 घंटे के अंदर आपका रिव्यू कंप्लीट हो जाता है, कुछ केसेस में ज़्यादा भी लग सकता है, ओके? इसके बाद इसमें ये भी दिया है कि अगर आपका ऐड डिसअप्रूव हो गया तो क्या करना है, कैसे करना है, वो एक चीज़ है। एक पॉलिसी है इनकी ये प्रोहिबिटेड कंटेंट को लेकर, कम्युनिटी स्टैंडर्ड। तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड ये एक बड़ा ही वेग सा मतलब आप कह सकते हो पॉइंट है, बहुत ज़्यादा क्लियर कट आपको गाइडलाइंस इसमें शायद ना मिलें। इलीगल प्रोडक्ट्स डेफिनेटली आप नहीं दे सकते, सर्विसेज नहीं दे सकते। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि फेसबुक कई बार, आप यकीन नहीं मानेंगे, कई बार इस तरह के एड्स को रोक देता है जहाँ पर आपने लिख दिया हायरिंग ओनली मेल, कि सिर्फ पुरुषों को आप हायर कर रहे हैं, तो फेसबुक मानता है कि भी आप भेदभाव कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। तो आप किसी भी तरीके से, या आपने लिख दिया कि सिर्फ इंडियंस को हायर करना है, या मान लीजिए आपने एक ऐड रन कर दिया विच इज़ रिलेटेड टू कि भी इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही हायर करना है, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही दिखाना है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस के अंडर आपकी पॉलिसी वायलेशन हो जाती है। टबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं दिखाने, ड्रग्स से रिलेटेड नहीं दिखाने, डेफिनेटली अनसेफ सप्लीमेंट। अनसेफ सप्लीमेंट देखिए ये भी एक बड़ा ही आप कह सकते हो कि कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, कि जो सप्लीमेंट के एड्स हैं वो जनरली फेसबुक पर बहुत जल्दी अप्रूव नहीं होते हैं। माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर आप सप्लीमेंट के ऐड रन करने वाले हैं या आपका बिजनेस सप्लीमेंट से रिलेटेड है, तो आप दो बार सोच लीजिए पहले, और बहुत ज़्यादा बजट ना लगाइए, बहुत ज़्यादा पैसे मत ऐड कीजिए, शुरुआत छोटे से करिए, उसके बाद देखिए, क्योंकि इसकी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। फेसबुक डिसाइड करेगा क्या सेफ है और क्या अनसेफ है, राइट? तो इसका खासकर आपने ध्यान देना है। वेपन एमिनेशन एक्सप्लोसिव इससे रिलेटेड आप ऐड नहीं चला सकते। एडल्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज डेफिनेटली नहीं आप चला सकते। एडल्ट कंटेंट नहीं चला सकते। थर्ड पार्टी इन्फ्रिंजमेंट, थर्ड पार्टी इन्फ्रिंजमेंट का मतलब ये है कि अगर आपने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में मान लेते एक म्यूजिक है जो किसी और का है, तो आप थर्ड पार्टी इन्फ्रिंजमेंट में आ जाएंगे, ओके? आपने कोई वीडियो बनाया या आपने कोई ऐड यूज़ किया, उसमें आपने कोई इमेज यूज़ कर ली जो कि किसी और की है, तो आप थर्ड पार्टी इन्फ्रिंजमेंट में आ जाएंगे, एज एन आपके पास कॉपीराइट होना चाहिए। तो ये एक बड़ा जोन होता है जहाँ पर ऐड बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं। सेंसेशनल कंटेंट आप नहीं डाल सकते। पर्सनल एट्रीब्यूट, मिस इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रोवर्सियल, राइट? नॉन फंक्शनल लैंडिंग पेज, यानी कि आप जहाँ पर ट्रैफिक लेके जा रहे हैं आपकी वेबसाइट, उसका फंक्शनल होना जरूरी है, काम करना जरूरी है। चीटिंग से रिलेटेड डिसीटफुल प्रैक्टिसेस नहीं है। ग्रामर एंड प्रोफेनिटी, अगर आपकी एड में गलत ग्रामर लिखी हुई है तो आपका एड उससे भी कई बार रिजेक्ट हो जाएगा। पर्सनल हेल्थ, बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस, आप अपने एड में जैसे बहुत सारे वेट लॉस के जो ऐड होते हैं कि भी पहले ऐसा था बाद में ऐसा हो गया, उस तरह के ऐड इसमें नहीं चलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत मुश्किल होता है इस तरह के ऐड को आपको लेके जाना है इसमें। जैसे इसमें साफ साफ लिखा है डाइट वेट लॉस, तो इस तरह का आपका प्रोडक्ट है तो आपको बहुत ध्यान देना है। इसलिए पहले अगर आप ये पॉलिसीज पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। इसके अलावा ये देखिए, पे डे लोन्स वगैरह, मल्टी लेवल मार्केटिंग के एड्स नहीं चलते इजीली, पेनी ऑक्शंस नहीं चलते, मिसलीडिंग क्लेम, लो क्वालिटी और डिसरप्टिव कंटेंट, स्पाईवेयर, मालवेयर, ऑटोमेटिक एनिमेशन, और जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, अच्छा रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट क्या है, क्या क्या कंटेंट रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल का ऐड आपकी कंट्री के हिसाब से डिटरमाइन होता है कि किस कंट्री में जो लोकल लॉ है उसके हिसाब से चलेगा। सेम डेटिंग के केस में आप देख सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस हैं, राइट? आपको पहले रिटन परमिशन लेनी होगी तभी आप डेटिंग का ऐड चला पाएंगे, ओके? रियल मनी गैम्बलिंग, रीजनल लॉटरीज, उससे रिलेटेड आप नहीं चला पाएंगे, ओके? ऑनलाइन फार्मेसीज के ऐड इजीली नहीं चलते,
उसके लिए आपको प्रायर रिटन परमिशन चाहिए। ओवर द काउंटर मेडिसिन का जो है वो आपका लोकल लॉ के हिसाब से चलेगा। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के लिए आपको लिखा हुआ है कि ये भी आपका आपको देखना होगा कि ये रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि ये सभी को अलाउड नहीं है। ओके, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस प्रोडक्ट में भी सेम है, ब्रांडेड कंटेंट में भी सेम है, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स रिलेटेड भी सेम है। तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी देखिए इसमें आ चुका है। ओके, या ड्रग और अल्कोहल एडिक्शन का ट्रीटमेंट भी इसमें है। तो इन चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना है। वीडियो एडवर्ट में आप देखेंगे कि जो आपका वीडियो है उसमें भी ड्रग और अल्कोहल यूज या एडल्ट कंटेंट या प्रोफेनिटी या वायलेंस नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है। एक ये भी है कि आपकी जो इमेज है उसका भी इन्होंने, अच्छा पहले क्या था कि अगर 20% से ज़्यादा टेक्स्ट होगा आपकी इमेज में तो फेसबुक ऐड रन नहीं करता था। अब इन्होंने चेंज कर दिया, रन करेगा लेकिन वो या तो लोगों को कम दिखाई देगा या ना दिखाई दे, पर ऐड आपका रन हो जाता है आज की डेट में। ओके, इसके अलावा लीड एडवर्ड्स के बारे में दे रखा है कि अगर आप लीड से रिलेटेड ऐड चला रहे हैं तो आप कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं पूछ सकते, तो वो भी यहाँ पर आपको देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, इनका खासकर आपको ध्यान रखना है। फेसबुक ऐड चलाने से पहले एक बार ज़रूर उसको पढ़ लें। आपको कोई भी क्वेश्चन है आपको सिंपली क्या करना है, लेट्स से अगर आपको इशू आ रहा है इंग्लिश में तो आप जाइए गूगल ट्रांसलेट, यहाँ चले जाइए आप, और यहाँ जाने के बाद आप सिंपली कॉपी कर लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से कुछ भी उठा लीजिए, अगर आपने यही जानना है इसको कॉपी कर लीजिए। ये यहाँ क्लिक किया हमने, पूरी डिटेल खुल गई, कॉपी किया इसको और यहाँ पेस्ट करके, और यहाँ लैंग्वेज आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये पॉलिसी आपने ज़रूर पढ़नी है, नहीं तो होगा क्या कि आप बहुत हाई होप्स के साथ आएंगे, ये देखिए यहाँ पर पूरा हिंदी आ गया, तो बहुत आप हाई होप्स के साथ आएंगे और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा या आप ऐड नहीं चला पाएंगे। उससे बेटर है आप इन पॉलिसी को पहले स्टडी कर लीजिए। उसके लिए सिंपली आपको जाना है facebook.com/policies/ads। तो यहाँ पर जाइए, इनको पढ़िए, इनको पढ़ने के बाद आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। ऑल राइट।